ओके सर, न्यू टॉपिक कंट्रोल अकाउंट। अच्छा जी, अच्छा नाम तो आपने सुना ही होगा, कंट्रोल अकाउंट। नहीं सुना? सुना भी है और लिखा भी है, सुना भी है, देखा भी, लिखा भी आपने, पढ़ा भी है, लिखा। पहले बड़ नाम सुन चुके हैं, मैं नाम की बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, डे बुक से याद है? डे बुक, डे बुक से याद है? अच्छा देखेंगे, डे बुक आपको याद होगा। ये हमने डे बुक्स बनाई थी याद है, और डे बुक के बाद हमने ये सेल्स रिसीवेबल लेजर बनाए थे ना, पर्सनल अकाउंट। इसमें हमने इंडिविजुअल अमाउंट से पोस्टिंग की थी, और उसके बाद जनरल लेजर बना था, और इसमें हमने बनाया था अकाउंट रिसीवेबल, कंट्रोल अकाउंट, और एक सेल्स अकाउंट बना था ना। अब ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं। अच्छा, तो यहाँ की तरफ इसमें रिकॉर्ड क्या किया था, सेल्स की कौन सी वैल्यू, टोटल इसमें मैं टोटल सेल्स रिकॉर्ड की थी ना। उसमें हमने क्या रिकॉर्ड की थी, टोटल सेल्स, और जब पेबल बनाया था तो उसमें टोटल परचेज रिकॉर्ड की थी, टोटल ना, टोटल परचेज, टोटल सेल्स, टोटल रिटर्न्स, टोटल पेमेंट्स, टोटल रिसिप्ट, हर चीज का टोटल रिकॉर्ड होता है इसके अंदर। ठीक, अब भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। बाय हेडिंग डाल रहे हैं कंट्रोल अकाउंट, और इसके बाद लिखें जरा इसको, ये लिखना। अच्छा काम भी करें पहले, ये लिख लें। हाँ, इसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसकी टाइप्स हैं, और उसके बाद ये इसके पर्पस हैं। ये कॉपी करें, फिर इनको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ये क्या होता है। अच्छा, तो कंट्रोल अकाउंट क्या लिखा हुआ है, कि कंट्रोल अकाउंट क्या है, अकाउंट इन जर्नल लेजर इन विच अ रिकॉर्ड इज कैप्ट ऑफ टोटल वैल्यू। ठीक है, तो कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे हम जर्नल लेजर में बनेगा, ये आपको मालूम है, और उसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं, टोटल। ठीक है, यानी कि टोटल सेल्स, टोटल परचेज, टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट, टोटल रिटर्न, हर चीज का टोटल आएगा। अच्छा, इसके बाद ये इसकी टाइप्स है, तो दो टाइप्स के कंट्रोल अकाउंट्स होंगे, दो टाइप्स है इसकी, इसके तीन नाम है। ठीक है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, या डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट, और फिर ये दूसरे टाइप परचेज लेजर या अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, कि ये दो टाइप्स के कंट्रोल अकाउंट्स हम पढ़ेंगे आपके कोर्स में, दो टाइप्स के कंट्रोल अकाउंट है, ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट कैसे बनता है और क्यों बनता है, और पेबल कंट्रोल अकाउंट कैसे बनता है और क्यों बनाता है। वैसे अगर हम बात करेंगे कंट्रोल अकाउंट्स कितनी टाइप्स के होते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी चीज का कंट्रोल अकाउंट बना सकते हैं। जैसे वेजेस कंट्रोल अकाउंट बना लें, सैलरी कंट्रोल अकाउंट बना लें, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, किसी भी चीज का कंट्रोल अकाउंट बना सकते हैं, बन सकता है। ठीक है, कोर्स में हमारे दो टाइप है, तो कोई अगर आपसे पूछता है कंट्रोल अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो क्या आंसर होगा? दो, इसका आंसर होगा इट डिपेंड्स, या अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट, कोई पॉइंट नहीं है, दो चार छह कुछ भी हो सकता है। जिस चीज का आपको बनाना हो कंट्रोल अकाउंट बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। कोर्स में दो है, दो पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये कंट्रोल अकाउंट क्यों बनाते हैं, रीजन क्या है, इसकी पर्पस। देखिए, आपको याद है क्या है वो बैलेंस शीट याद है? बैलेंस शीट में हम अकाउंट रिसीवेबल पेबल के बैलेंस लिखते हैं, तो वहां एक सिंगल बैलेंस होता है, या बाय नेम लिखते हैं हम, सिंगल आता है ना, रिसीवेबल पेबल। इसी तरह जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो उसमें रिसीवेबल पेबल का एक बैलेंस होता है, या बाय नेम लिखते हैं, देखिए बैलेंस होता है ना, टोटल आपके रिसीवेबल्स, टोटल पेबल्स। ठीक है, तो मेन पर्पस ये है कि आप कंट्रोल अकाउंट बनाकर रिसीवेबल पेबल का
टोटल बैलेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जब आप ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके लिए आप अपने रिसीवेबल पेबल का बैलेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके 100 कस्टमर्स हैं तो सेल्स लेजर में 100 अकाउंट्स बने हुए होंगे बाय नेम। अब आपने 100 कस्टमर्स का टोटल करना है तो क्या करेंगे आप, हर अकाउंट को बैलेंस करेंगे पहले, फिर 100 बैलेंस निकलेंगे, 100 बैलेंसेस को ऐड करेंगे तो सिंगल बैलेंस आएगा ना, राइट। तो उसका ऑल्टरनेट क्या है कि आप एक अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनाए और यहाँ से आपको 100 कस्टमर्स का बैलेंस इजीली मिल जाएगा। यानी कि एक ही अकाउंट से 100 कस्टमर का बैलेंस आप फाइंड कर सकते हैं। और 100 या उनके 500 हो, 1000 हो, जितने भी कस्टमर्स होंगे सबका बैलेंस आप एक ही टी अकाउंट से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एक पर्पज तो ये क्या बैलेंस फाइंड कर रहे थे। सेकेंड पर्पज इसका ये कि जब हम देखें डे बुक्स बनाते हैं या जब वो लेजर्स बनाते हैं ना, सेल्स लेजर परचेस लेजर, तो उसमें एरर आ सकते हैं। डे बुक में एरर हो सकता है, लेजर्स बनाने में एरर्स हो सकते हैं ना। तो कंट्रोल अकाउंट बनाकर हम अपने लेजर्स की और डे बुक्स की एक्यूरेसी भी चेक कर सकते। तो वो कैसे चेक होती है ये हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, ये टॉपिक हमारा का दो पर्पज हो गया, बैलेंस फाइंड कर लेंगे आप और सेकेंड आप अपने लेजर्स और डे बुक्स की एक्यूरेसी चेक कर सकते। अच्छा, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा 3 स्टेप में। पहले हम बनाएंगे सिंपल कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस पुट करेंगे, बैलेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लेजर्स की एक्यूरेसी किस तरह चेक की जाती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि लेजर्स और डे बुक्स में अगर एरर्स हैं तो उनकी करेक्शन कैसे की जाती है और करेक्ट बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम सब कंट्रोल अकाउंट्स बनाते हैं और अपने बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका हैंड आउट अभी आ रहा है तो मैं आपको देता हूँ जब तक। क्वेश्चन नंबर 31.1। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया हुआ रीड कर लें। अब इसमें बनाएंगे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनेगा। अच्छा, एक चीज और बता दो, ये सिर्फ नाम का फर्क है, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट। अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे हमने इससे पहले अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाया था और अकाउंट पेबल का टी अकाउंट बनाया था, तो उसी तरह बनेंगे जैसे रिसीवेबल अकाउंट पहले हम बना चुके हैं और पेबल अकाउंट बना चुके हैं। अच्छा, ये हैंड आउट रख लें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। अभी आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा, रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आता है, अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, ठीक है, ये डेबिट पे लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस बीडी बैलेंस आ गया। अच्छा, इसके बाद अब ये दिया हुआ टोटल्स फॉर नवंबर। पहले क्या है, सेल्स डे बुक, ये सेल्स डे बुक का टोटल है कितना, 14,000। अच्छा, क्या होता है सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स की डबल एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 14,000 से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेल्स रिटर्न डे बुक। अच्छा, तो सेल्स रिटर्न की डबल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट पे पोस्ट कर देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, चेक्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इसकी डबल एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट, बैंक या कैश डेबिट होगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा ना, तो ये अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट जी। नहीं मिलेगी तो वापस आ गए घूम करके, कितने ठीक। अच्छा, इसके बाद
कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। अब ये अकाउंट क्लोज करते हैं। अच्छा, डेबिट साइड का टोटल आ गया 38,000। 38,000 क्रेडिट पे लिखेंगे और इसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 19,000। ठीक है, और ये हमारा रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट कंप्लीट। अब कॉपी कर लें। पढ़ के पता चलेगा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31.2। इसमें हम बनाएंगे अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट बनेगा। अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? अकाउंट्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस 11,241 किस साइड पर रहेगा? क्रेडिट साइड। इसके बाद मैंने टोटल्स फॉर अप्रैल, पहले क्या है परचेज जर्नल। अच्छा, परचेज जर्नल का दूसरा नाम परचेज डे बुक। ये परचेज डे बुक का टोटल है 6,100। अच्छा, क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है, क्रेडिट हो गया। इसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड्स जर्नल या रिटर्न आउटवर्ड्स डेबो। तो ये हो गए आपके परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की डबल एंट्री क्या होगी? अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट, डेबिट हो गया। चेक्स पेड टू सप्लायर, इसकी एंट्री क्या होती है? डबल एंट्री, डेबिट क्यों पे कर रहे हैं? अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर। अभी इसकी हमने एंट्री बनाई थी, डबल एंट्री बनाया है। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, कैश नहीं। अभी तो क्वेश्चन किए हैं, डेबिट क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव कब होता है? पे करते वक्त होता है ना, अर्ली पे करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा, तो लायबिलिटी कम होगी ना आपकी। पेबल रिसीवेबल क्यों आएंगे? इसकी डबल एंट्री होगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा ना। आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी डेबिट। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। अब ये अकाउंट क्लोज करते हैं, इसका टोटल आ गया क्रेडिट साइड का, अब उसमें से डेबिट साइड माइनस कर देंगे, ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8,046 का। ठीक, कॉपी कर लें। डेट्स और इरिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया? फ्रॉड क्या, बैड डेट्स या इरिकवरेबल डेट्स? पैसे नहीं मिले, ठीक है, उधार लेकिन नहीं। हाँ राइट, तो बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स या इरिकवरेबल डेट्स के वो अमाउंट जो कस्टमर से रिकवर ना हो सके, या वो रिसीवेबल जो आपको रिकवर ना हो सके। जैसे कि आपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड सेल की, ठीक है, तो आपको पैसे ना मिले तो वो क्या कहलाएंगे? आपके बैड डेट। अच्छा, ना मिलने की क्या रीजन हो सकती है? तो कस्टमर को आपने गुड सेल की क्रेडिट पर और अब आपको पैसे नहीं मिले तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? कस्टमर की डेथ हो गई, पैसे डूब गए, कस्टमर भाग गया, पैसे डूब गए, कस्टमर बैंक करप्ट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, पैसे डूब गए। अच्छा, डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, पैसे डूब गए, दुबई चला गया, पैसे डूब गया। ओके, अच्छा, तो ये तो रीजन हो गई कि डेथ ऑफ कस्टमर, बैंक करप्सी ऑफ कस्टमर, या डिसअपीयर हो गया कस्टमर आपका, या डिसऑनेस्टी,
मुकर गया भाई, नहीं दे रहा जो करना है कर लो। करेंगे अपनी फातिहा पढ़ लेंगे उसके पास, तो वो जाते हैं आपके बैड डेट्स, यानी कि वो अमाउंट जो कस्टमर से रिकवर ना हो सके तो वो आपके बैड डेट्स कहलाते हैं। अच्छा इसकी नेचर क्या होगी, अभी आपके लिए क्या है, एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी इनकम। हाँ तो आपके लिए क्या हो गया, मतलब एक्सपेंस हो गया आपका, एसेट हो गया, इनकम हो गया, लॉस हो गया। लॉस तो लॉस किसमें जाएगा, एक्सपेंस में, तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे और आपके रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे और कस्टमर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो उसकी डबल एंट्री क्या होगी फिर, बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। तो ये इसकी डबल एंट्री बनेगी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक। अच्छा इसके बाद डिसऑनर चेक की बात करते हैं। डिसऑनर चेक क्या होता है, डिसऑनर बाउंस चेक रिटर्न होना ना, ये हमने बीआरएस में पढ़ा था कि डिसऑनर चेक क्या होता है, कस्टमर ने आपको पेमेंट की बाय चेक, चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया और पता चला कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो आपका चेक रिटर्न हो जाएगा, बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाएगा, ठीक। इसकी डबल एंट्री क्या होगी, डिसऑनर चेक की डबल एंट्री क्या बनेगी, कैश कहां से डेबिट, पैसे मिलेंगे, ठीक है, बैंक पैसे आ रहे हैं, सप्लायर के लिए। अच्छा शुरू से बताता हूँ, स्टार्ट से। अच्छा हमने क्रेडिट सेल्स की, तो एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अमाउंट सपोज कर लें 500 का। अब क्वेश्चन बाद, कस्टमर ने आपको पेमेंट की बाय चेक, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। दो चार दिन बाद आपको पता चला कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे और आपका चेक रिटर्न हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो अब क्या एंट्री बनाएंगे, अब हम अकाउंट रिसीवेबल को फिर से डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट हो जाएगा ना, क्योंकि तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और रिसीवेबल फिर से डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि हम फिर से कस्टमर से पैसे मांगेंगे, तो रिसीवेबल इंक्रीज होंगे डेबिट और बैंक डिक्रीज होगा क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री होगी आपकी डिसऑनर चेक की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है, क्लियर। कॉपी बाद में कीजिएगा, समझ लें पहले। अच्छा इसके बाद था ये सेट ऑफ सेटलमेंट कॉन्ट्रा या कॉन्ट्रा सेटल, इसके कई नाम है, यहाँ जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में ना, सेट ऑफ अगेंस्ट बैलेंस इन परचेज लेजर, उसका कई नाम है, सेट ऑफ सेटलमेंट कॉन्ट्रा या कॉन्ट्रा सेट ऑफ। अच्छा पहले तो ये बताएं, एक आपका कस्टमर है, क्या वो आपका सप्लायर भी हो सकता है, एक ही शख्स आपका कस्टमर भी हो सप्लायर भी हो सकता है, कोई एग्जांपल कब, कोई सिचुएशन ऐसी, आपने फ्लैट किराए पे दिया, ठीक है, फिर हाँ ऐसे हो सकता है कि आप एक सप्लायर से रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं, एक सप्लायर से रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं और फिनिश गुड्स उसको सेल कर रहे हैं। एक सप्लायर है जिससे आप रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं और फिर उसे फिनिश गुड्स सेल कर रहे हैं, तो आपका सप्लायर भी हो जाएगा, कस्टमर भी हो जाएगा ना, या एक प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं उससे और आपके पास कोई प्रोडक्ट है वो उसको आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक। तो एक शख्स आपका सप्लायर भी हो जाएगा और कस्टमर भी बन जाएगा, ठीक। अच्छा तो फर्ज करें कि हमारा कस्टमर है मिस्टर ए, और ये मिस्टर ए को हमने गुड सेल की है 10,000 की, तो 10,000 से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ हम लिख लेंगे सेल्स। अच्छा और इससे हमने मिस्टर ए से गुड्स परचेज की थी 8,000 की, तो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होगा,
है, तो यहाँ लिखते हैं परचेज, राइट। अच्छा, अब हमने मिस्टर ये कस्टमर है, गुड सेल की है 10,000 की, और ये मिस्टर ये हमारा सप्लायर भी है, सर ने रॉ मटेरियल बाय किया था 8,000 का। अब रिसीवेबल कितने हैं? 10,000। पेबल कितने हैं? 8,000। अच्छा, इसकी अब सेटलमेंट कैसे होगी? अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये आप उससे 10,000 का चेक ले लें और 8,000 का चेक उसको बना के दे दें, सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जब आपके देखें रिसीवेबल्स कितने हैं 10, पेबल्स कितने हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 2,000 आ गया। अब 2,000 हम उससे रिसीव कर लेंगे और दोनों अकाउंट्स हमारे बराबर हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे ना। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है कि रिसीवेबल से पेबल्स माइनस करें, जो भी बैलेंस आएगा रिसीवेबल होगा तो रिसीव कर लेंगे, पेबल होगा तो पे कर देंगे और हमारी सेटलमेंट हो जाएगी, सही। तो ये बेहतर तरीका है। अच्छा, अब इसकी अभी जो 2,000 है ये तो हम उससे बाद में रिसीव करेंगे तो तब रिकॉर्ड होंगे ना, तो ये जो हमने सेटलमेंट की इसकी क्या एंट्री बनेगी अब, या सिर्फ 2,000 से एंट्री बनेगी चेक की? ठीक है, हाँ देखिए, अब इसका ये जो 2,000 का चेक ये तो जब हमें मिलेगा तब रिकॉर्ड करेंगे, अभी हम क्या एंट्री बनाएंगे? अभी क्या होगा, देखिए रिसीवेबल्स कितने थे और सेटलमेंट के बाद कितने रह गए 2,000, पेबल्स कितने थे सेटलमेंट के बाद कितने रह गए, अब जीरो हो जाएंगे ना पेबल, तो हमारे पेबल खत्म। तो इसका मतलब सेटलमेंट का इफेक्ट क्या आ रहा है कि आपके रिसीवेबल और पेबल दोनों कम हो रहे हैं, रिसीवेबल 10,000 से डिक्रीज होकर 2,000 रह गए और पेबल 8,000 से डिक्रीज होकर जीरो हो गए, तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। जब हमें पे कुछ नहीं करना, सिर्फ 2,000 रिसीव करना है, तो सेटलमेंट का इफेक्ट क्या है कि आपके रिसीवेबल और पेबल दोनों डिक्रीज हुए। अब इसके डबल एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हुआ डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट, अमाउंट क्या लिखेंगे 8,000 आ जाएगा ना, क्योंकि चेंज कितने से आ रहा है 8,000 से, 2,000 तो बैलेंस बचेगा ना, ठीक है। तो 8,000 से पेबल डिक्रीज हुए, 8,000 से रिसीवेबल डिक्रीज हो गए, ठीक। अच्छा, इसको पोस्ट कर देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे सेट ऑफ, यहां भी लिख देंगे सेट ऑफ। और इसके बाद आपका जो पेबल अकाउंट है ये तो हो जाएगा क्लोज, और रिसीवेबल को क्लोज करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 2,000 का ना, जो कि हम बाद में अपने कस्टमर से रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सेट ऑफ, उसके एंट्रीज सारी चीजें, ठीक। अच्छा नीचे वाला हाँ, नीचे वाला क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक एक ही बंदा है ना, एक ही बंदा है, उससे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, फिनिश गुड सेल कर रहे हैं, एक ही शख्स है। 8,000 के गोल्ड हमने रॉ मटेरियल बाय किया था, पेबल थे 8,000, 10,000 की फिनिश गुड सेल की थी, रिसीवेबल थे 10,000, एक ही शख्स है। अब मैंने आपसे रॉ मटेरियल बाय किया 8,000 का और आपको फिनिश गुड सेल की 10,000 की, अब 8,000 मैं आपको पे करूंगा और 10,000 आप मुझे पे करेंगे, मैं बना रहा हूँ, तो मैं दोनों की सेटलमेंट कर लूंगा ना, डिफरेंस निकाल लिया मैंने, अब आप आपसे कहूंगा भी आप मुझे 2,000 दे दें। तो अब क्या हुआ, देखिए रिसीवेबल मेरे कितने थे 10,000, आप कितने रह गए 8,000, पेबल कितने थे मेरे आप कितने रह जाएंगे जीरो, तो आपको कुछ पे नहीं करूंगा, आपसे 2,000 लूंगा सिर्फ, तो पेबल डिक्रीज हो रहे हैं डेबिट और रिसीवेबल भी डिक्रीज हुए क्रेडिट, ठीक। अच्छा, एक सिचुएशन और होती है इसमें, अब यहाँ पे क्या था, रिसीवेबल ज्यादा है पेबल्स कम है ना, लेकिन जरूरी थोड़ी हमेशा ऐसे ही हो, पेबल भी तो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक। अब फिर क्या होगा, अच्छा अब सपोज कर ले हमारे अकाउंट्स पेबल हैं 20,000 के और अकाउंट रिसीवेबल है 12,000 के, डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, बैलेंस कितना आएगा? अच्छा, अब 8,000 क्या होंगे, पेबल हो जाएंगे ना, जो हम बाद में पे करेंगे। अच्छा, अब क्या एंट्री बनेगी इसकी, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट डेबिट हो गया, और बाकी बताएं, अब पेबल ज्यादा है रिसीवेबल कम है, अब क्या एंट्री बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा या सेम एंट्री बनेगी?
सेम एंट्री बनेगी सेम, क्योंकि देखें इफेक्ट सेम आ रहे हैं ना। अकाउंट्स पेबल कितने थे और अब कितने रह गए, 8, तो अकाउंट पेबल डिक्रीज हो गए। अकाउंट रिसीवेबल कितने थे, 12,000, अब कितने रह गए, 0, तो डिक्रीज हो गए। तो यहां भी क्या हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज हो रहे हैं तो एंट्री सेम बनेगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा, ठीक है। और अमाउंट क्या लेंगे, अमाउंट क्या आएगा, 12,000 आ जाएगा, 12,000। तब याद रखिएगा कि चाहे आपके रिसीवेबल ज्यादा हो या पेबल, जब भी सेटलमेंट होगी एंट्री सेम बनेगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक, क्लियर। ओके, चलो अब इसको कॉपी कर ले, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। जी क्वेश्चन कॉपी करते हैं, अब इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना है, 28,409, क्या क्या कह रहे हैं, इसका बैलेंस आ गया डेबिट पे, क्या कह रहे हैं। इसके बाद सेल्स गेबुक, ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होगी, क्रेडिट सेल्स है ना, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है, तो डबल एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बैड डेट्स रिटन ऑफ, तो इसके भी हमने एंट्री क्या बनाए, बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और चेक्स रिसीव फ्रॉम डेटर्स या कस्टमर, उसके डबल एंट्री, अकाउंट बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। बाद चेक डिसऑनर, डबल एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। इसके बाद है रिटर्न इनवर्ट्स या सेल्स रिटर्न, इसकी डबल एंट्री, सेल्स रिटर्न इनवर्ट सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, क्रेडिट पे आ जाएगा। लास्ट डेबिट सेट ऑफ अगेंस्ट बैलेंस इन परचेज लेजर, इसके डबल एंट्री क्या होगी, सेट ऑफ की अभी लिखवाइए, सेट ऑफ की डबल एंट्री, अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, तो अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। अब अकाउंट क्लोज करते हैं, ये डेबिट साइड के टोटल आ गया, अब डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 29,268। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट, कॉपी कर लें।